ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। इसी तरह मैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पर दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि PFI का उस पर हाथ है, सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहां तक कि जब यहां पर भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लांड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पर बैन होना चाहिए। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद, या इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी, और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं, कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो NIA ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं।